इसको शहनाई बोलते हैं। अच्छा, तो ये हमारी समझ में नहीं आया, लेकिन इतना समझ में आया कि ये दर्दीली थी। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई करते ही नहीं, पढ़े लिखे हो गए, कभी इनको गलत समझने लगे वो। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है चाचा आपका? शब्बीर हुसैन। शब्बीर हुसैन, तो इसका क्या नाम है? इसे वैसे तो इंग्लिश में क्लारन कहते हैं, लेकिन यहाँ शहनाई बोलते हैं। यहाँ हिंदुस्तान की सभ्यता में शहनाई बोलते हैं, इसको शहनाई बोलते हैं। अच्छा, तो ये हमारी समझ में नहीं आया, लेकिन इतना समझ में आया कि ये दर्दीली थी, कुछ दर्द था इसमें, गम था, तो क्या चीज़ थी ये? यह हम उठाते हैं अलम अब्बास का, जान से प्यारा है गम अब्बास का। हम उठाते हैं अलम अब्बास का, जान से प्यारा है अलम अब्बास का। लेकिन वो जो आगे था तीसरी लाइन क्या? तीसरी लाइन का, अपनी बेटी का सकीना नाम रख, तुझ पे भी होगा करम अब्बास का। वाह वाह, तो ये कब से बजा रहे हैं माशाल्लाह? आप तो का आपकी उम्र काफ़ी, मेरी उम्र 80 साल की हो गई। अच्छा, हाँ, मैं बहुत आपको सैल्यूट है कि आप ये बजा रहे हैं। तो और कोई काम है आपका? ना, कुछ नहीं है। यहीं के रहने वाले? मैं संभल के रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा, तो अभी आपकी जो आल औलाद हैं, उन्होंने छोड़ दिया, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है? कोई करते ही नहीं, पढ़े लिखे हो गए, कभी इनको गलत समझने लगे वो? गलत है ये? वो इस काम से दूर है। आपके बुजुर्ग बजाते थे? हाँ, मेरे बुजुर्ग बजाते थे। देखिए, मैं यही कहूँगा कि इमाम हुसैन का गम किसी भी रूप में मनाए, और किसी भी हालत में मनाए, और किसी भी जबान में मनाए, सिर्फ बीबी जहरा को उनके लाल का पुरसा दिया जाए। सिर्फ इमाम हुसैन के चाहने वालों का यही मकसद है। और ये जो चारों तरफ जुलूस निकल रहे हैं, बरामद हो रहे हैं, जगह जगह आज़ादारियाँ मनाई जा रही हैं, सिर्फ इस बात का पैगाम दिया जा रहा है कि इमाम हुसैन की जो शहादत थी वो ज़ाया ना जाए, ता कयामत तक इमाम हुसैन का परचम, मौला अब्बास का परचम ऊपर रहेगा। और इमाम हुसैन का जो हाथ बेयत पे नहीं था, वो हाथ पंजा जो कट के भी ऊपर रहा है, वो आज भी ऊपर रहेगा। इमाम हुसैन जो रसूल के नवासे हैं, उन्होंने इतना बड़ा महाबलिदान जो दिया था, वो सिर्फ दीन बचाने के लिए नहीं दिया था, इंसानियत को भी बचाया और ये दिखाया कि हाँ, जुल्म किसी भी दौर में हो वो झुक कर रहता है, और जुल्म सहने वाले हमेशा याद किए जाते हैं, और जुल्म करने वाले हमेशा लानत के साथ में याद किए जाते हैं। और किसी ने क्या खूब कहा है कि इंसान को बेदार तो हो, लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। यानी हर कौम, हर समुदाय, हर धर्म में इमाम हुसैन का एक ऐसा वाहिद गम है जो हर कौम मनाती है। जनता वनता को ऐसी प्यार और सपोर्ट करती रही है, जनता वनता ऐसी वीडियोज़ दिखाता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया।